कृष्ण पुराण एकादश दिवसीय कथा सत्र का विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस की भी विश्राम वाली बैठक है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रह करके समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने श्री सुभद्राहरण एवं श्री अर्जुन के साथ उनके विवाह प्रसंग तक की चर्चा सुन चुके हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि भगवान श्याम सुंदर जनकपुर पधारे, क्योंकि जनकपुर के राजा जनक जी उन दिनों में जो थे महाराज बहुलाश्र, वो नित्य सोचते थे कि प्रभु के दर्शनार्थ श्री द्वारका चलो, लेकिन ध्यान पूजा इत्यादि में इतना मन लीन हो जाता था कि उस दिन नहीं जा पाते। दूसरे दिन भी वही हाल। ऐसे महीनों वर्षों बीत गए। प्रभु ने सोचा कि भक्त को फुर्सत नहीं तो चलो भगवान ही उनके यहां दर्शन दे आवे। प्रभु से मिलने के तीन तरीके ध्यान में आते हैं। बरबस गोपियां पहुंच तो गईं बंसी ध्वनि सुनकर के, लेकिन आड़े टेढ़े श्रृंगार से, तो प्रभु ने उनके आड़े टेढ़े श्रृंगार को सुधार लिया। सुदामा जी पहुंच तो नहीं पाए लेकिन कदम बढ़ा दिए, तो प्रभु ने उनको खींच लिया अपनी ओर। जनक जी कदम भी नहीं बढ़ा पाए, सोचते रोज थे, तो प्रभु स्वयं आकर के मिल लिए। हम लोग भी प्रभु पहुंच पावे तो प्रभु तक पहुंच जाए, न पहुंच पावे तो कदम बढ़ा दें। कदम भी न बढ़ा सके तो मन से जरूर सोचें कि हमें श्याम सुंदर के पास चलना है। जनकपुर में जब पहुंचे प्रभु, सूचना मिली तो एक साथ दो भक्तों ने आकर के दावा किया हमारे यहां चलिए। एक तो राजा जनक श्री बहुलाश्र जी ने और दूसरे श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण के यहां। दोनों जगह ठाकुर जी एक साथ गए, दो रूप से प्रकट होकर के। क्यों? राजा के यहां जाए तो ब्राह्मण समझेगा कि गरीब समझकर ठुकरा दिया। ब्राह्मण के यहां जाए राजा कहेंगे हमारा अपमान हो गया। इसलिए दोनों जगह एक साथ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषि लोग भी गए थे जिनमें मैं भी था। हम लोग भी दो दो रूप से दोनों जगह गए, जिसमें किसी को ये पता न चले कि उनके यहां गए हमारे यहां नहीं आए, उनके यहां पहले गए हमारे यहां पीछे आए। नहीं, दोनों जगह निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विशेखा। श्री जनक जी ने तो बड़ी सावधानी से प्रभु की सेवा भक्ति करके इनको रिझा लिया। और श्रुतदेव ब्राह्मण प्रेम में विभोर होकर के नाचने लग गए। बहुत देर के बाद जब होश आया तो चरणों में प्रभु के प्रणत हुए। प्रभु ने कहा कि हम और ज्यादा प्रसन्न होते अगर आप हमसे भी पहले हमारे साथ के संतों के चरणों में प्रणाम करते, इनकी सेवा करते थे। इसके बाद कुछ दिन वहां रह करके इनको सन्मार्ग का उपदेश करके भगवान लौट आए। आगे के अध्याय में वेद स्तुति है। श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं कि त्रिगुणात्मिका वृत्ति वाली श्रुतियां गुणातीत परमात्मा का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न कभी नारद जी ने किया था। भगवान नारायण ने बताया कि इस प्रश्न का उत्तर जनलोक निवासियों के बीच में श्री सनंदन जी ने दिया था। उस समय आप मेरी श्वेत द्वीप वाली श्री मूर्ति के दर्शनार्थ पधारे थे। जैसे किसी सोए हुए राजा महाराजा को उनके अनजीवी सूत मागध भाट कवि चारण मधुर स्वर से संगीत गा करके जगाते हैं, ऐसे ही
योग निद्रा में पौढ़े हुए प्रभु को श्रुतियां इस प्रकार से जगाती हैं, जय 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 अजाम अजित दोष गृहित गुणाम तुमस यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक साम अखिल शक्त धक्ते उचित जय आत्मनाथ चरतो अनुचर निगम हे अजित आपकी जय हो। सर्वोत्कर्षण वर्तस्व सबसे ऊपर चमकते रहो। और ये जिसके गर्भ में दोष भरे हुए हैं ऊपर से गुणमयी दिखाई पड़ने वाली माया को मारो प्रभु, जो जीवों को सताती है। प्रभु कहते हैं कि तुम ही क्यों नहीं मार लेते हो माया को, कहा कि हम में माया को मारने की शक्ति होती तो आपसे क्यों प्रार्थना करते, सारी भगवत्ता तो आपकी मुट्ठी में है। कहा कि माया को मारने के फेर में क्यों पड़े हो, मेरे सन्मुख हो जाओ, माया तुम्हारा पल्ला छोड़ देगी। जैसे मिट्टी से, जैसे पृथ्वी तत्व से निकली हुई मिट्टी से घड़ा बनता है, पृथ्वी पर ही रहता है, फिर टूट फूट कर पृथ्वी में मिल जाता है, ऐसे ही ये सारा संसार भगवान से ही प्रकट है, भगवान में स्थित है, भगवान में ही अंत में विलीन होना है। श्रुतियां जीवों के लिए विधि निषेध दो तरह के कर्म का निर्देशन करती हैं, विधि जिनको करना चाहिए, निषेध जिनको नहीं करना चाहिए। इनकी चर्चा पहले भी कई बार हो चुकी है। जो करना चाहिए उनमें भी वासनात्मक सकाम भाव रख करके करेंगे तो स्वर्गादि लोगों के कुछ पुण्य का फल भोग करके वहां से गिरना पड़ता है, पाप कर्म करने वाले नरकों में जाते हैं, ज्ञान मार्ग वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी सेवा पूजा कथा इत्यादि मन लगाने वाले ये लोग संसार में रहते हुए भी इनको संसार व्याप्ता नहीं है, पर भगवत कथा के माध्यम से ये सब प्रकार के तापों को ये निवृत्त कर लेते हैं और भगवान के सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों स्वरूप का श्रुतियां प्रतिपादन करती हैं। वे ही सगुण है, वे ही निर्गुण है, वे ही साकार है, वे ही निराकार है। जहां सगुण कहा वहां सगुण का तात्पर्य भगवत्ता के दिन शाश्वत गुण से सतत संयुक्त है, और जहां निर्गुण कहा वहां प्रकृति के हे तीन गुणों से वो सतत रहित हैं। साकार और निराकार में जैसे सूर्य नारायण उदित हैं तो साकार जैसे लगते हैं, अस्त हो जाते हैं तो निराकार जैसे लगते हैं, लेकिन सूर्य का अस्तित्व सदा बना रहता है। इसी तरह से भगवान सतत साकार भी हैं, और जिनको उन्हें देखने की क्षमता नहीं उनके लिए सतत निराकार है। श्रुतियां कहती हैं कि हम तो सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों का प्रतिपादन करती हैं, हमारा अपना मन जो है उन्हीं चरणारविंदों में जिनको गोपियों ने अपने हृदय पर धारण करके अपने विरजन ताप को दूर किया था उनमें लगता है। इस प्रकार श्री संकादिकों ने जनलोक निवासियों के बीच में श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित होने वाले भगवान के स्वरूप का निरूपण किया, जीव के कर्म का निरूपण किया। अब आगे के अध्याय में श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं कि संसार में भगवान का भजन करने वाले कोई विष्णु का कोई शिव का भजन करते हैं, भगवान नारायण लक्ष्मीपति हैं, इनके भक्तों को सुखी संपन्न होना चाहिए, लक्ष्मीवान धनवान, लेकिन नारायण के भक्त गरीब क्यों दिखाई पड़ते हैं, और भगवान शंकर भिक्षाटन करके भजन करते हैं, उस भिक्षाटन करने वाले भोलेनाथ के भक्त वो भिक्षुक होना चाहिए लेकिन बड़े धनी संपन्न दिखाई पड़ते हैं, ये विपरीतता क्यों, भिक्षाटन करने वाले शंकर जी के भगत धनी और लक्ष्मीपति की नारायण के भगत गरीब। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की ऐसा ही प्रश्न कभी आपके बाबा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, भगवान ने स्वयं बताया यस्याहम अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनं सुनेहि ततो धनं त्यजन्ते स्वजना दुख दुखितम्, जिसको मैं अपनाना चाहता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, गरीब बना देता हूँ, स्वजनों से भी धक्का दिलवाता हूँ, अंत में जब दीनहीन बनकर मेरी शरण में आता है तो मैं उसे दीन बंधु बन करके अपना लेता हूँ, और मेरे भक्त निष्काम हो जाते हैं भजन करते करते, मैं देता हूँ भी तो लेने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए मेरे भक्त गरीब रहना अधिक पसंद करते हैं। और भोला बाबा तो भोला बाबा ठहरे, वो गाल बजाने वालों को और थोड़ा भी आकर के कुछ किया आशुतोष कहलाते हैं, जल्दी घर जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये
अधिकारी है कि अनधिकारी है, सुपात्र है कि कुपात्र है, जो कुछ दूंगा उसका सदुपयोग करेगा दुरुपयोग करेगा। वो अपात्रों को भी कुछ शक्ति कुछ क्षमता दे देते हैं, स्वयं झंझट में पड़ जाते हैं। जैसे एक बार उन्होंने वृकासुर, जिसको आगे चलकर लोगों ने भस्मासुर कहा, उसको वर दे करके और स्वयं झंझट में पड़ गए। जब उसने तपस्या की, वृकासुर ने शंकर जी ने कहा बोलो क्या चाहते, उसने कहा यस यस कर्म शीर्ष ने घास्य समृता मित, जिसके जिसके माथे पर हाथ धर दो वो छिन्न भिन्न हो जाए विनष्ट हो जाए। भगवान शंकर ने एवमस्तु कह तो दिया, लेकिन जब शंकर जी के ही माथे पर हाथ धरने को दौड़ा पार्वती जी को हरण करने की लालसा से, तो श्री शंकर भगवान स्वयं भागे भागे फिरने लगे। देखा कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, तब प्रभु नारायण को पुकारा। कल्प भेद से दो तरह की कथा आती है। श्री शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान नारायण पधारे श्री पार्वती जी का रूप धर करके और उसको नृत्य का भाव करके कि तुम अगर मुझे तांडव नृत्य दिखाने लगो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और वो माथे पर हाथ धर के नाचने लगा सो भस्म हो गया। और श्रीमद् भागवत वाले कल्प में जब प्रभु नारायण को पुकारा शंकर जी ने, तो प्रभु ब्रह्मचारी का रूप धर करके आए। शकुनी नंदन कहाँ जा रहे हो, बोले शंकर जी को जलाने के लिए। आग लिए हो, बोले आग की कोई जरूरत नहीं, कैसे जलाओगे, बोले उनके सिर पर हाथ धर देंगे वो भस्म हो जाएंगे। अरे पगले, सिर पर हाथ धरने से तो और आशीर्वाद हो जाता है, बोले उनने वरदान दिया है। कहा कि उनने कह दिया और तुमने विश्वास कर लिया, जब से दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है तब से उनकी बुद्धि ठिकाने रहती है, आजमाया है कि नहीं कहीं, बोले ना अभी तो नहीं, अभी तो पहले उन्हीं पर आजमाने जा रहे हैं। कहा कि यदि उनके वचन प्रत्यय इतना विश्वास है तो एक बार जरा आजमा के देख ले, अपने माथे पर हाथ लगा के देख, ताकि मैं स्वयं जल जाऊं तो, ताकि एकदम सटाना नहीं, थोड़ा ऊपर ही रखना, कुछ अपनी इच्छा से ले गया कुछ भगवान की इच्छा से सटी गया उसका हाथ। तो उसी समय था पतत भिन्न शिरा वज्राहत क्षणात्, वो क्षण भर में ही और छिन्न भिन्न होकर के और उसका मस्तक सैकड़ों टुकड़े में विभक्त होकर के और उसका प्राणांत हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी, बोलिए श्री पतित पावन भगवान की जय। इस प्रकार से शंकर जी के भगत धनी क्यों और नारायण के भगत गरीब क्यों, इसका कारण बताया। आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं कि एक बार देवताओं ऋषियों की सभा हुई, इसमें प्रश्न उठाया गया देवताओं में महान कौन, बोले त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, बोले इन तीनों में महान कौन, आगे जिनमें क्षमाशील दया हो। भृगु जी परीक्षक बना करके भेजे गए, ब्रह्मा जी की सभा में गए, भृगु जी प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा जी को, इतने ही पर ब्रह्मा जी नाराज हो गए। तो ये कह के चल दिए कि हम अभी परीक्षक बनकर के आए थे, छोटी सी बात पर आपने क्रोध आ गया इसलिए आपको महान नहीं घोषित करेंगे। शंकर जी के पास गए, शंकर जी इनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़े तो भृगु जी पीछे हट गए। नहाने धोने का ठिकाना नहीं, चिता की भस्म, चमड़ा और हड्डी का वस्त्र और गहना धारण करते हैं, सांप बिच्छू लगाए हुए मिलने चले। शंकर जी त्रिशूल लेकर ने मारने दौड़े, हम तो प्रेम से मिलने जा रहे हैं भैया समझ के, और ये हमारी भर्त्सना कर रहे हैं। सो पार्वती जी ने पतित्वा पादयोर देवी शांत अमास्तम गिरा, शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए, भोलेनाथ ये तो परीक्षक बन करके आए थे परीक्षा करने, अरे तब तो कोई बात नहीं, नारायण तो महान है ही। फिर अथो जगाम बैकुंठम यत्र देवो जनार्दन, भृगु जी बैकुंठ में गए और जनार्दन भगवान नारायण की छाती में लात मारी, क्योंकि प्रभु आंख मुदे हुए थे। झट भगवान उठ के बैठे हो गए, इनके चरण दबाने लगे, भगवान अच्छा किया जो आपने मुझको जगा दिया, किंतु मेरी कठोर छाती से आपके कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी, रो पड़े भृगु जी महाराज। इसको महानता कहते हैं। श्री रहीम जी ने दोहे में लिखा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटेन के उत्पात, कहा रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात, आज तक चरण चिन्ह बना हुआ है प्रभु के वक्षस्थल के ऊपर। ये इनकी भगवत्ता का एक विशिष्ट लक्षण है। जिन जिन जीवों को प्रभु पार्षद स्वरूप दे देते हैं वो चतुर्भुज हो जाते हैं, सांवले रंग के शंख चक्र गदा पद्म कीरीट मुकुट कुंडल वनमाला पीताम्बरधारी सब कुछ मिल जाता है,
स्वरूप मुक्ति वाले को, लेकिन तीन चीज केवल भगवान के पास होती है। बाएं वक्ष स्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह, दाहिने वक्ष स्थल पर श्री वत्स रेखा, और दोनों के मध्यवर्ती भाग में कौस्तुभ मणि। ये तीन चीज केवल भगवान के पास होती है। कितना भी किसी को सारूप्य मिले, भृगु चरण चिन्ह, श्री वत्स रेखा और कौस्तुभ मणि, ये और किसी को नहीं मिलती है, केवल भगवान के पास होती है। एक ब्राह्मण का बच्चा मरा द्वारका में, उसने ला करके बेटे का शव भगवान के दरवाजे पर रख दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया है, क्यों मेरा बच्चा मरा, आप पता लगाओ। भगवान श्री कृष्ण बलराम तो कुछ बोले नहीं, अर्जुन बोले कि आगे से आपका बच्चा मरने नहीं पाएगा, मुझे बुला लेना पहले बच्चा के जन्म होने से पहले। क्या करोगे? कहा कि बच्चे की रक्षा करूंगा। कहा कि जहां कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध विराजमान है, तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? तो कहा कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं तो गांडीवधारी अर्जुन हूं। कहा कि अगर नहीं बच्चे को बचा सके तो, कहा कि चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। बच्चे के जन्म का समय आया, अर्जुन बुलाए गए और अर्जुन ने बाणों का ऐसा कट्टर बनाया जिसमें पवन का प्रवेश नहीं हो, काल कैसे बच्चे का प्राण ले जाएगा किस रास्ते से। लेकिन काल की ऐसी सूक्ष्म गति कि और बार तो, पिछली बार तो बच्चे का प्राणांत हो गया था, प्राण निकल गए थे, केवल शरीर रह गया था, इस बार तो बच्चे का शरीर भी गायब हो गया। ब्राह्मण ने धिकारा, अर्जुन तेरे पाप से मेरे बच्चे का प्राणांत हुआ है, पिछली बार शरीर तो रह गया, इस बार तो शरीर भी गायब हो गया, या तो मेरे बच्चे को खोज के ला, नहीं तो चिता में प्रवेश कर। खोजते खोजते अर्जुन हार गए, बच्चा नहीं मिला, अर्जुन चिता में प्रवेश करने को तैयार हुए। भगवान ने हाथ पकड़ करके रोक लिया, क्यों मर रहे हो? कहा कि प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका। कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम वहां मौजूद थे, बलराम भैया मौजूद, तुम्हें बोलने की क्या पड़ी थी, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं, चल मेरे साथ। रथ पर बिठा करके ले गए, सात समुद्र, सात द्वीप, लोकालोक पर्वत और अंधकार त्याग चिरते हुए क्षीर सागर में अष्टभुजी भगवान भूमा पुरुष के पास ले गए और जो रथ से उतरे भूमा पुरुष भगवान ने कहा, आओ आओ कृष्ण अर्जुन, तुम दोनों को मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए भेजा था, देखे हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मैंने ही तुम्हें बुला लिया। अब यहाँ पर लगता है कि कृष्ण और अर्जुन ये अंश भगवान है और भूमा पुरुष भगवान अंशी भगवान है। एते चांस कला पुंसव वाली बात जो है वह भगवान श्री कृष्ण पर भी लागू हो जाए होती दिख रही है, लेकिन वास्तव में चाहे भूमा पुरुष भगवान हो चाहे श्री कृष्ण अर्जुन हो, बात कई बार बताई जा चुकी है कि ये भगवान सतत पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। आगे के अध्याय में भगवान के गृहस्थी का वर्णन है, सवेरे समय से जगते हैं, शौच स्नान पूजा पाठ संध्या वंदन इत्यादि नियम से करते हैं अपने बाल बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और भगवान सबका यथोचित सत्कार और निर्वाह कर रहे हैं। आप लोग ये सुन ही चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी पटरानी है, सबसे 10-10 पुत्र हैं और कन्याएं भी हैं, उन पुत्रों के पुत्र पौत्र इत्यादि भी बहुत संख्या अनजानों की हो गई है। अब इस दशम स्कंध को विराम देते हुए कहते हैं, मर्त्यस्तानसो में द्वितीया मुकुंद श्रीमत कथा श्रवण कीर्तन चिंतेति तद्धाम दुस्तृकता जवाब वर्ग ग्रामात्मनम क्षति भूयोदर्था। अब तक आप लोग दशम स्कंध की कथा सुन रहे थे, अब 11वें स्कंध में आपका प्रवेश हो रहा है, जिसमें प्रमुखतया ठाकुर जी कुछ उपदेश कर करा करके और अपने धाम जाने के लिए तैयारी किए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो भूतारे भारम ज्येष्ठम जनेन कलिम। प्रभु ने अपने हाथों से बहुत से असुरों को, पूतना त्रिणावर तघासुर बकासुर कंस शिशपाल दंतवक्त जरासंध इत्यादि असुरों का उद्धार करते हुए, भीमसेन के द्वारा जरासंध का उद्धार कराते हुए, महाभारत युद्ध का बहाना बना करके बहुत हद तक पापियों को इस पृथ्वी पर से हटा दिया और उनके समर्थकों को हटा दिया। फिर चिंता हुई कि कहीं आगे चलकर हमारा यदुवंश भी पृथ्वी का भार न हो जाए, क्योंकि अब इनके मन में अहम का अंकुश सृजित होने लगा है कि
मैं भगवान का वंशज हूँ, मैं जो कुछ करूंगा कोई मेरा क्या कर लेगा। यहाँ तक कि ऋषियों से मखौल करने के लिए चले गए, और ऋषियों के श्राप का बहाना बना करके भगवान ने यदुवंश को भी विनाश करा करके पृथ्वी का भार उतारने की योजना बनाई। पिंडारक क्षेत्र जो द्वारका का निकटवर्ती क्षेत्र है, वहां कुछ ऋषि लोग आकर के रहने लग गए, जिनमें तेज स्वभाव के ऋषि लोग अधिक हैं। विश्वामित्र जी, असित जी, कर्ण जी, दुर्वासा जी, भृगु जी, अंगिरा जी इत्यादि, कि यहां रह करके भगवान का भजन भी करेंगे, समय समय पर द्वारका चल के प्रभु के दर्शन भी कर लिया करेंगे। कुछ जदुवंशी राजकुमारों को इन ऋषियों से मखौल करने की सूझी, और जाम्बवती नंदन सांब को, जो बड़े सुंदर हैं, स्त्री वेश में श्रृंगार सुसज्जित करके और ले जा करके ऋषियों के पास पूछा कि भगवान आप लोग त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, ये बेचारी कुलीन घर की पतिव्रता नारी गर्भवती है, जानना चाहती है कि मेरे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा कि कन्या का, पूछने में सुखचा रही है, आप लोग कृपा करके बेचारी को बता दीजिए। ऋषियों ने कहा रे उद्दंडो, भगवान तो ऋषियों का आदर करते हैं और उनके वंशज होकर तुम लोग ऋषियों से मखौल करने चले हो, ये स्त्री है, पुरुष को स्त्री बना करके लाए हो, ये गर्भवती है, इसके गर्भ से कन्या अथवा पुत्र निकलेगा, नहीं जब इसके कपड़े हटाओगे तो एक लोहे का मूसल निकलेगा जिससे तुम्हारे वंश का संहार होगा। अब जब कपड़े हटाए तो सचमुच में लोहे का मूसल निकला, सब हाय हाय करने लगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले न्याय से इनके विनाश की घड़ी आ गई थी। सभा में जाकर के कहा कि हम लोगों से आज ऐसी भूल हो गई है, ऋषियों ने ऐसा श्राप दिया है। सभासद लोग हाय हाय करने लगे। अंत में सोचा कि जैसे बने मृत्यु को टालने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। उस लोहे के मूसल को रेती से रेत रेत करके चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र ने अपने लहरों के थपेड़े से उसे किनारे बिखेर दिया, और वही एरका नाम की घास बना है वो सब लौह कण सब, जिससे ये आपस में लड़ भिड़ करके और विनाश को प्राप्त होंगे। भगवान जानते हैं और समर्थ है, चाहते तो ऋषियों का श्राप मिथ्या कर सकते थे, लेकिन कहा कि नहीं, मैं मिथ्या नहीं करूंगा ऋषियों के श्राप को, बल्कि मैं अनुमोदन करता हूं और उन पर दस्तखत और मुहर लगाता हूं। ये दुष्ट लोग जो ऋषियों से मखौल करने गए, ये विनाश के पात्र हैं ही, मेरे यहां अपने पराये का भेद नहीं है। भले मेरे बेटा बेटे और पोते हैं तो क्या इनका विनाश होना ही चाहिए जो ऋषियों से हंसी करने गए। बल्कि भगवान ने और अनुमोदन कर दिया। आगे के अध्याय में वर्णन करते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद जी द्वारका पधारे, प्रभु के दर्शनार्थ श्री वसुदेव जी ने उनका बड़ा भारी पूजन और स्वागत किया, अपना भाग्य सराहा और बोले कि भगवान संतों की, देवताओं की क्रियाएं तो कुछ दुख और कुछ सुख दोनों देती हैं, लेकिन सुखा यही वही साधु नाम तो आदिशाम अच्युतात्म नाम, आप जैसे संतों की सब क्रियाएं प्राणी का कल्याण ही कल्याण करती है, अर्थात साधु ते हो न कारज हानि। हम आपसे कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं। उन्हें पूछो। बोले कि हम पूर्व जन्म में भगवान की आराधना तो की है, लेकिन पुत्र भाव से, और अब लगता है कि ये बहुत बड़ा परिवार पाकर हम मोह ममता में फंस गए हैं। हमारे जैसे घर गृहस्थी के रहने वाले लोग मोह ममता के जाल से कैसे निवृत्त हो सकते हैं? जीव के परम कल्याण का स्वरूप और भागवत धर्म का स्वरूप कृपा करके बताइए। तब श्री नारद जी को एक बार तो आश्चर्य हुआ कि साक्षात भगवान जिनके पुत्र बने हुए हैं और अभी इनको अपने कल्याण में संदेह हो रहा है, लेकिन फिर ये निश्चय किया कि नहीं, अपने बहाने औरों को सुनवाने के लिए, औरों को सुनने का मौका देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तदपि अशंका किन्न सोई कि कहत सुनत सब कर हित होई। श्री नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, आपने जैसा प्रश्न जीव के परम कल्याण और भागवत धर्म से संबंधित मुझसे किया है, ऐसी ही जिज्ञासा एक बार विदेह वंश के पूर्वज श्री निनि राजा ने श्री नव योगेश्वर से किया था, जो उनके सत्र में पधारे थे।
एक बार निमि राजा यज्ञ करा रहे थे, उस समय उनके यज्ञ में नौ योगीश्वर जो श्री ऋषभ देव जी के सौ पुत्रों में से नौ हैं, कवि हरि अंतरिक्ष, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धा पलायन आविर्होत्रोत द्रुमिलस चमसा करभाजन, ये नौ योगीश्वर आकाश मार्ग से आए। लगता था कि एक साथ नौ सूर्य आकाश में उदित होकर के आ रहे हैं। और जब वहां उतरे श्री निमि राजा के यज्ञ स्थल पर, तो निमि राजा ने उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अपना भाग्य सराहा। मन्ये भगवत साक्षात पार्षदान वो मधुदिशा विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। आप लोग तो साक्षात भगवान के पार्षद हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए विचरण करते हुए भूतल पर पधारे हैं। मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी भारत भूमि में जन्म मिलना दुर्लभ है, और उसमें भी आप जैसे महत्पुरुषों का सत्संग मिलना परम दुर्लभ है। लेकिन आज ये सभी दुर्लभ दुर्लभ वस्तुएं हमें सुलभ हो गई हैं, भारतवर्ष का जन्म भी, मानव शरीर भी, और आप जैसे भगवत पार्षद रूप संतों का सत्संग भी मिल गया। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, भगवान की विशेष कृपा है मेरे ऊपर। अब मैं आप लोगों से कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूँ। क्या क्या? अत आत्यंतिकम क्षेमं भवता पृच्छामि भवतोनुग्रह संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः शिवधर्मिणाम्। आपसे मैं आत्यंतिक क्षेम माने जीवों के परम कल्याण का स्वरूप जानना चाहता हूँ, और धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रोते क्षेम, मुझे सुनने का अधिकारी समझे तो भागवत धर्म की भी व्याख्या करके सुनावे। ये दो प्रश्न किए हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर श्री नव जोगेश्वर में से सबसे बड़े भैया कवि जी देने लग गए। पहले जीव के परम कल्याण का स्वरूप, मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। असत पदार्थों में आत्मबुद्धि अथवा आत्मीय बुद्धि हो जाने के कारण जिनकी बुद्धि उद्विग्न रहती है, वो अगर अपना परम कल्याण चाहते हैं तो अच्युत भगवान, जो कभी च्युत नहीं होने वाले अपने स्वरूप से, ऐसे अच्युत भगवान श्री हरि के चरणारविंदों की उपासना में लग जाए, यही परम कल्याण का स्वरूप है। उपासना में भगवान के चरणों के समीप अपने को अनुभव करने लग जाए, यही परम कल्याण का स्वरूप है। एक बार श्री कबीर जी रोने लगे और उनके पुत्र कमाल जी हंसने लगे। कबीर जी ने पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है? क्या पिताजी, पहले आप बताइए आप। कबीर जी ने पूछा कि बेटा मैं रो रहा हूँ तो हंस कैसे रहा है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कमाल जी बोले कि पिताजी पहले आप बताइए आप रो क्यों रहे हैं? कबीर जी बोले, एक चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाने को। एक चक्की चल रही है, उसमें जो पड़ा सो पिस गया, यही देख कर रोना आया। कमाल बोले कि वही चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कि कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। चक्की के दो पार्ट होते हैं, और ऊपर वाला पार्ट उठा के देखिए तो बीच वाली मोटी कील के चार छह अंगुल इर्द गिर्द का अनाज सुरक्षित रहता है। इन दोनों का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में बताया, माया चक्की कील हरि और जीव चराचर नाज, तुलसी जो उबरोच है तो कील शरण को भाज। माया ही चक्की है, माया रूपी चक्की के दो पार्ट है, एक विद्या और एक अविद्या, और बीच में जो कील है जिसके सारे चक्की घूमती है वो भगवान है। तो जिस जो जीव और जीव अनाज है, जो जीव माया की चक्की में पड़ गए उनको पीस डाला, लेकिन माया की चक्की में पड़ करके भी जो जीव भगवान रूपी कील से चिपके रह गए उनको वो माया रूपी चक्की नहीं पीस सकती है। उदाहरण के लिए रावण के 1,00,000 पूत और 1,25,000 नाती, ये भगवान से विमुख हो गए तो उनको पीस दिया चक्की ने, तारावण घर दिया नबाती। और विभीषण जी
भगवान रूपी कील से चिपके रह गए शरणागत होकर के, तो विभीषण को माया रूपी चक्की नहीं पीस सकी। द्वापर के अंतिम चरण में दुर्योधन को गुमान था हम 100 भाई हैं, 100 को पीस डाला माया रूपी चक्की ने, क्योंकि ये भगवान से दूर हो गए, भगवान से विमुख हो गए। और 5 पांडव भगवान कृष्ण रूपी कील से चिपके रह गए, इसलिए माया रूपी चक्की पांडवों को नहीं पीस सकी। इस प्रकार से बताए कि जो भगवान से संलग्न रहेंगे, उनके चरणों से चिपके रहेंगे, इसी का नाम है उपासना। उप समीप के अर्थ में और आसना स्थिति के अर्थ में, जो भगवान के समीप स्थित रहेगा उसको माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये परम कल्याण का स्वरूप बताया। और भागवत धर्म के लिए कहते हैं ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया है आत्मलब्धे अंजा पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतानितान। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।